हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लेट है और संडे वाली ये आफ्टरनून है, मॉर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है। डुगू की छुट्टियां तो चली रही है लेकिन संडे को तो वैसे भी हमारा लेट हो जाता है, तो घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं। डस्टिंग, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ सब हो गया है और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। बस हमने कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह खा लिए, डुगू को मिल्क, आलमंड्स और बनाना दे दिया था और हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, वो पपाया खा लिया और फिर चाय वगैरह पी लिया थोड़ा बहुत रस्क के साथ। तो हमारा ब्रेकफास्ट वैसे ही हो गया और डायरेक्ट मैंने लंच ही बना दिए थे। तो लंच में आज मैंने बनाए हैं छोले, चावल और अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये खाना है, क्योंकि छोला, मतलब छोले जो होते हैं ना, पर्सनली मेरा फेवरेट है। हस्बैंड भी खा लेते हैं पर मुझे काफ़ी पसंद है। डुगू ने बोला कि वो राइस खाएगा और राइस अभी तक वो खुद से खा नहीं पाता, रोटियां तो थोड़ी बहुत खा भी लेता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उसे ही निकाल कर दे दिया था, हस्बैंड को दिया था एक्चुअली कि आप उसे खिला दो क्योंकि खुद से नहीं खाता। और यहाँ पर हमारी रोटियाँ भी बन गई है तो फिर मैं और हस्बैंड खाएंगे। और हमने लगाई है एक वेब सीरीज़ रणनीति, जो कि जियो सिनेमा पे अभी अभी ही आई है, बहुत अच्छी है, पुलवामा अटैक पे बेस्ड है। वैसे तो पुलवामा अटैक पे बहुत सारी मूवियाँ और वेब सीरीज़ बन चुकी है पर ये इसमें बहुत ही डीपली दिखाया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी ना, जो ये डिफेंस और ऐसे, मतलब जो यूनिफॉर्म वाली जो मूवी होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है हमेशा से। शायद मैं उस बैकग्राउंड से हूँ क्योंकि मेरे पापा भी डिफेंस में थे, मेरे भैया भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम यहाँ पर अपनी वही मूवी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब हमने इसे संडे को ख़त्म कर दिया था, सैटरडे को हमने इसके एक या दो एपिसोड देखे थे, फिर आफ्टरनून में हमने दो तीन देखे और रात तक हमने पूरा इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब कोई चीज़ मज़ा आता है ना तो मैं उसे देख लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कभी भी एक मूवी एक दिन में ना ख़त्म करूँ तो वेब सीरीज़ तो बहुत दूर की बात है। तो डिनर लंच हमारा हो गया था और मूवी हमारी चल ही रही थी, वेब सीरीज़ है वैसे वो। तो मैंने किचन भी क्लीन कर लिया, बर्तन वर्तन धो लिए, सोचा चलो कोक पीते हुए इंजॉय करते हैं। बहुत लोगों को थिएटर में जाके मूवी देखना पसंद है पर मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ, मुझे कभी से नहीं, मुझे घर पे मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो दादी से बात करो। आगे सोल्जर सोल्जर काला कलर लगाए रहते हैं। बात करो। प्रणाम दादी। अरे वो सोल्जर बन गया ना। हाँ खाना खा लिए। नहीं टीवी ना देख रहे हैं, खेल रहे हैं, सोल्जर बन गए ना। अच्छा दादी से भोजपुरी में बात करो तो एक बार। कैसन बाला भोजपुरी में बोलते हैं, आप कैसन बाल नहीं बोलो, दादी दादी आप कैसन बानी, दादी आप कैसन बानी। हाँ दादी एक मिनट दादी, मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ ना। भोज नहीं, भोजपुरी में बोलो, पहले भोजपुरी में बोल के जाओ, भोजपुरी में। हाँ बोलो दादी, बोलो दादी दादी कैसे हैं आप। नहीं भोजपुरी में बोलो, समझ बोलो दादी हम अपन मुंह धोए जाता नहीं, दादी हम अपना मुंह धोए जाता नहीं। दादा। अब लो तुम बात कर लो, आओ दादी का फोन है, भोजपुरी में बात करना, इधर आओ। हाँ इधर आओ, बोलो बोलो दादी प्रणाम। दादा बोलो, दादा प्रणाम प्रणाम। बोलो दादी दादी। आप बोला दादी।
डुबू फेस क्लीन कर लियो। हाँ। अब दादी से बात करोगे? नहीं 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 इधर नोजी से नोजी क्लीन कर जाओ। मूवी बहुत मस्त है, सबको रिकमेंड करो, देखना चाहिए मूवी। क्योंकि यार कैमरे में आपका मुंह इतना बड़ा दिख रहा है कि मेरे को खुद ही डर लग रहा है। मैं डर रहे जरूरत नहीं तुम्हारे पति सच्ची बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि अब हो गया शाम के 4:15 होने वाले हैं। आज खत्म कर देंगे हम लोग इसको। बहुत अच्छी है रणनीति, और पता है इसमें जितने एपिसोड थे मतलब उसमें नीति ही बनाई गई, और इस एपिसोड का नाम ही है देखो वार ऑफ नरेटिव बालाकोट एंड डायवल। और ये देखो मेरी बेटी का नया स्टंट, क्या कर रही हो? हाय बोल दो। हाय बोलने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। वन मोर टाइम से हाय। हेलो बोल दो। हेलो बोलो। लंच वगैरह हो गया और पता है आपको भूख लगी है? मेरे को भूख लगी है। बट मुझे लगी है। डुगो भूख लगी है आपको? नहीं लगी? यार मुझे ही क्यों भूख लग जाती है। कल सुबह में मैंने चाय पिया था मिल्क, और सोची थी शाम को ब्लैक टी पीऊँगी, फिर शाम को भी मिल्क टी पी ली और सोची आज सुबह से ब्लैक टी पीऊँगी, और आज सुबह भी मिल्क टी पी ली हूँ और सोची हूँ कि शाम को ब्लैक टी पीऊँगी। बट रात में तो आप प्रॉमिस की थी नहीं मैं कल से क्या था ब्लैक टी पीऊँगी। आप बना के दिए? डुगू को देखा ना आपने कैसे बातें कर रहा था भोजपुरी में। एक्चुअली क्या है ना, मैं चाहती भी हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को भोजपुरी समझ में भी आए, हालांकि समझ में तो उसे 50-60% आ ही जाता है, पर मैं चाहती हूँ उसे बात करना भी आए, क्योंकि यार अपना लोकल लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। इसलिए तो मैं डुगू को बीच बीच में सिखाती रहती हूँ कि भोजपुरी बोलो, हालांकि अभी सुनने में ना काफ़ी फ़नी लगता है। यहाँ पर मैं किचन में सारे बर्तन को उसकी जगह पर लगा रही हूँ, और एक साइड पर मैंने मैगी चढ़ा दिया है क्योंकि डुगू को भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए मैगी बना देती हूँ। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी चलो कहीं घूम के आते हैं, तो बोले चलो रेडी हो जाओ। पहले हमने प्लान किया था ना कि हम कहीं दूर जाएंगे, लेकिन ऐसे सोचते सोचते प्लान करने में, क्योंकि हमने पूरा आफ्टरनून में मूवी देख लिया, और वैसे भी आजकल बाहर में इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि दोपहर में कहीं बाहर जाना बहुत बेवकूफ़ी है। अगर आप मॉल वगैरह में जा रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप किसी ओपन एरिया में घूमना चाहते हो तो डे टाइम इज़ नॉट सेफ़ नाउ इन बैंगलोर स्पेशली, क्योंकि बहुत 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 कड़ाके की धूप लग रही है भाई, मतलब बहुत गर्मी है। और बेबी अभी सो ही गई थी, इस वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि एटलीस्ट हाफ एन आवर वो या फिर 45 मिनट वो सो जाए, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। फिर हम आज टेम्पल जाने वाले हैं, मुझे तो पता नहीं था, हस्बैंड बोले चलो कहीं घूम के आते हैं, फिर बाद में वो मुझे टेम्पल लेके गए थे, तो मैंने इधर चाय वाय बना ली, चाय वाय पी उ के एकदम आराम से निकले हम लोग। हेलमेट पहन लो, कैसे पहन रही थी दिखाओ एक बार पहन के। डुगो आप रेडी हो गए? कहाँ जा रहे हैं? देखो कितना स्टाइल मार रहे हैं। अच्छा लगता है। और बेबी का अपना अलग टेंशन है, और आपका कोई टेंशन है? जा रहे वैसे अपन, और मैं ऐसे बासी बासी जैसी लग रही, ऐसा लग रहा सड़ी हुई चावल है। बॉटल लिया है? नहीं है। उसको दे दो बेटा। नहीं है। सुपर सुपर। चलो बेटा। चाबी। चाबी।
आज हम बाइक से जा रहे थे और पता है बाइक से जाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हेलमेट कैरी करना पड़ता है क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप बाइक पे बिना हेलमेट के नहीं जा सकते, इसलिए मुझे बाइक पे जाना और बर्डन लगता है क्योंकि दो बच्चों को संभालना, डुगू भी मतलब आगे नहीं बैठ सकता, अब थोड़ा लंबा हो गया है तो पापा को चलाने में प्रॉब्लम होती है, और बेबी थोड़े टाइम के लिए आगे बैठती है पर मुझे सेफ़ नहीं लगता क्योंकि बहुत बदमाशी करती है। तो अभी तो रिसेंटली वो कुछ बैठती है थोड़े टाइम के लिए, जैसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए, लेकिन वो भी पीछे रहती है, तो इसलिए ना बाइक से जाना हम इसलिए भी अवॉइड करते हैं। लेकिन बहुत लेट हो गया था, अगर हम कार से जाते ना तो ट्रैफिक में फंसते और ज़्यादा लेट हो जाता, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है बाइक से ही चलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। और देख लो बेबी जैसे ही कैमरा देखती है ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो हम जा रहे थे जगन्नाथ टेम्पल जो कि हमारे घर से 7 किलोमीटर्स की राइड पे, और पास में ही मतलब बजरंगबली का मंदिर था, आमने सामने ही था, बहुत बड़ा स्टैचू था, हस्बैंड बता रहे थे 90 फीट ऊँचा है, बाकी मैं नहीं जानती कि वो मतलब जानते हैं या फिर ऐसे गेस करके बता रहे थे। मंदिर में जाके यार सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पुरानी सी मंदिर थी और कुछ अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा था और वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हो रहा था, मतलब गाना वाना चल रहा था, और ये शायद कन्नड़ा या फिर तेलुगु में तो नहीं था, ना ही हिंदी में था, आई थिंक कि वो लोग उड़िया में गा रहे थे। अगर कोई भी उड़िया इस वीडियो को देख रहा है तो कन्फर्म ज़रूर कर देना, मैं डाउट में हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उड़िया भाषा में गाना चल रहा है, पर अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे भी रहे हैं और हस्बैंड का इस टाइम तक कॉल आ गया था, तो मैं दोनों बच्चों को संभाल रही थी और बेबी और तो फुल ऑन मस्ती कर रही थी। जाके जैसे ये मंदिर जो बना हुआ है ना, तो इस पे इसके स्ट्रक्चर में ही बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे अटैच है, तो जाके सबको टच कर रही थी और जय भी कर रही थी। तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बैठे रहे दर्शन वर्शन करने के बाद। पास में ही बजरंगबली का मंदिर था तो वहाँ भी हम गए और डुगू को मैंने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ो, तो उससे जितना आता है, हालांकि उसे लगभग आता ही है बट वो बीच बीच में भूल जाता है, और हमने भी यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा था। तो टेंपल के तो दर्शन कर लिए, आप कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ चलते, घर? चलो कितने टाइम हो गया, मैं आज वॉच पहन के नहीं आई, बहुत अच्छा लगा टेंपल। हमारी घड़ी में अच्छा 8 बज गए, 8 बज रहा है अभी से, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बेबी को आगे बैठा रहे हो? नहीं बैठ रही है, तो आगे खड़ी होकर जाएगी, यही है ना रामेश्वर। बाप रे कितनी भीड़ है, बाहर बैठे हुए बहुत भीड़, बैठने की भी जगह नहीं, हम पहली बार आए रामेश्वरम।
नाम बहुत सुना था पर भीड़ बहुत ज्यादा। हम लोग बाहर बैठे सोचे हैं कि आए हैं तो टेस्ट करके ही जाएंगे चाहे कितनी भी भीड़ हो। और बेबी देखो कह रहे सड़क पे आ गया सब ले लिए मतलब और बिल कटाने में इतना समय क्यों लगा? भीड़ है लाइन उसमें ही भीड़ है लाइन लगी। मंदिर में घूमे बहुत अच्छा लगा लेकिन सबसे गलत डिसीजन हमने यहाँ आने का ले लिया था। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देख ही रहे हो हालत कैसी है। अंदर में बैठने की कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं थी, लोग खड़े होके खा रहे थे, लिटरली लोग रोड की साइड पे खड़े होके खा रहे थे। और हम लोग मंदिर से 7 किलोमीटर सिर्फ रामेश्वरम कैफ़े खाने ही आए थे क्योंकि बहुत सुना था। अभी हाल फिलहाल में यहाँ बम्बलास भी हुआ था, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर आकर यहाँ की ट्रेडिशनल डिश ही ऑर्डर की क्योंकि भाई यहाँ पे इडली डोसा वड़ा अप्पे यही सब फेमस है। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, पता नहीं लोग क्यों इतना हवा बना के रखे हैं, मुझे यहाँ का टेस्ट एवरेज से भी डाउन लगा, मुझे बहुत बेकार लगा लिटरली। बस हमने ये कबाब वेज कबाब लिया था वो ऐसे हमने एज अ चखना यूज़ किया और उसी को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके हमने ये सारा खाना अपने अंदर डाला है। डुग्गू तो आधा से भी आधा डोसा ज़बरदस्ती खाया, मतलब बहुत ही बेकार सा था। मैं आज तक जहाँ भी डोसा खाई हूँ, इडली खाई हूँ, मैंने एक कोई लिया था घी वाली बटन इडली कुछ करके ऐसा था, नाम थोड़े डिफरेंट थे बट सब कुछ वही था, मुझे बहुत बेकार लगा। मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरा रिव्यू एकदम ख़राब है यहाँ के लिए। इतनी दूर आए इतने ट्रैफिक में, वो भी बाइक पे, इतने लाइन लग के नंबर लगाए, खाना लिए, बट इतना बेकार था मैं बता नहीं सकती। और बेबी बहुत इरिटेट हो गई है बाइक की वजह से।